24 घंटे के भीतर चोरी के सामान के साथ पुलिस ने चार चोर को किया गिरफ्तार। चतरा में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोरों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। 24 घंटे पहले हुई टेम्पो चोरी की घटना को पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने अपने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश केसरी पिता स्वर्गीय शंकर प्रसाद केसरी गुदरी बाजार थाना सदर के द्वारा अपने टेम्पो चोरी होने से संबंधित आवेदन दिया था। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर शाह थाना प्रभारी मनोहर करमाली के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उक्त एसआईटी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर चोरी की गई टेम्पो का कुछ कटा हुआ भाग चौपारण के नरैना जंगल से एवं राजेश कुमार के चौपारण स्थित कबाड़ी दुकान से कटा हुआ इंजन बरामद किया गया एवं कांड में संलिप्त चार लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं वही एक निरुद्ध किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति में जिनारुल शेख पिता अताहर शेख ग्राम पोतपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिमी बंगाल वर्तमान में ग्राम पितिज थाना इटखोरी चतरा राजेश प्रसाद पिता स्वर्गीय चमारी साव ग्राम ताजपुर चौपारण हजारीबाग रोहित कुमार उर्फ टीरा पिता संजीव कुमार ग्राम चौर मोहल्ला कठौतिया चतरा अंकुल तिवारी पिता स्वर्गीय जगदीश तिवारी ग्राम लाइन मोहल्ला चतरा एवं एक निरुद्ध बालक शामिल है। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से चोरी की गई टेम्पो कटा हुआ अवस्था में माप तौल करने वाला मशीन बरामद किया गया। सर, चोर गिरोह के विरुद्ध सफलता मिली है। हाँ, कल दिनांक 3/9/2023 को गुदरी बाजार के रहने वाले ओम प्रकाश केसरी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर के पास से टेम्पो की चोरी हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक छापामारी दल का गठन किया गया और संदिग्ध ठिकानों की छापामारी की गई। उससे टेम्पो जो है वो कटा हुआ अवस्था में चौपारण से प्राप्त किया गया है, बरामद किया गया है। उसमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बालक को निरुद्ध भी किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति में जिनारुल शेख हैं, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। राजेश प्रसाद हैं, ये ताजपुर चौपारण के रहने वाले हैं। इन्हीं लोगों को जाके गाड़ी को बेचा गया था और इन लोगों के द्वारा गाड़ी को काट दिया गया। इसके बाद ये लोग बेचने की फिराक में थे, उससे पहले ही पुलिस के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सामान को बरामद कर लिया गया। चतरा जिला के रोहित कुमार उर्फ टीरा और अंकुल तिवारी, इन लोग भी इसमें संलिप्त हैं, इन लोग भी बेचने में सहयोग किया है। ये लोग पेशेवर हैं या नए लोग? अभी तक जो है इन लोग आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, अभी वैसे कोई जानकारी नहीं आ पाई है। इसमें और भी तथ्य जो है आने की संभावना है। ये नाप तौल मशीन है, इसी से नाप तौल के वो लोग बेचते थे। कटे हुए जो टेम्पो हैं उसको पार्ट को काट के इन्हीं के द्वारा